तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था बेसिक मेन पॉइंट्स ऑफ पॉलर रिप्रेजेंटेशन, कि पॉलर रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन करने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम फाइंड करेंगे मॉडुलस आर्गूमेंट और पॉलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। बुक में से करेंगे तो बुक में बहुत डिफिकल्ट दिया गया है, स्टेप नहीं दिए गए हैं, तो आपने जैसे मैं कराऊंगा वैसे आपने करना है, स्टेप को फॉलो करना है। कॉपी पेन हाथ में पकड़ लीजिए और साथ में आपको ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर। बताइए चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जेड इज इक्वल टू, क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री। ठीक है, फाइंड करना है हमने मॉडुलस, यानी कि आर हमने फाइंड करना है, आर्गुमेंट जेड हमने यहाँ पर वो करना है, फाइंड करना है, साथ में हमने इसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले मॉडुलस निकालेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट जेड निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, उसके बाद हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारे पास जेड दिया है उसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि कैसे हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। नाउ जेड इन पोलर फॉर्म, तो क्या बताया था मैंने, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये है आपका पोलर फॉर्म, हम इसको दे देंगे इक्वेशन वन, दे दी इक्वेशन वन, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर को हम अंदर लेके ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर दोनों के साथ, तो आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। अब हमने कंपेयर करना है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, समझ रहे हो। स्टेप वन आपने क्या करना है, नाउ जेड इन पोलर फॉर्म में लिख देनी है स्टेप वन में। स्टेप टू आपका रहेगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर देखना है आपने इस इक्वेशन में देखना है और इस इक्वेशन में देखना है कि रियल पार्ट कौन सा, तो यहाँ पर है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, रियल पार्ट क्या है माइनस वन, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री। आयोटा क्यों लिखा, क्योंकि इमेजिनरी है तो आयोटा हम साथ में नहीं लगाएंगे, इसलिए हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर जो जो पार्ट है वो हमारे पास आर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे माइनस अंडर रूट थ्री। इक्वेशन टू दे दीजिए और इक्वेशन थ्री दे दीजिए, हो गया स्टेप टू। स्टेप वन में जेड पोलर फॉर्म में लिखना है, स्टेप टू में इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करने हैं हमने इस इक्वेशन से, जो कि हमने क्वेश्चन में दिया होगा हमारे को रियल और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कॉमन कर दिए, उसके बाद क्या करना है एडिंग करना है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को, इसको भी और इसको भी एडिंग, ठीक है, ऐड भी करना है और स्क्वेयर भी करना है। स्टेप थ्री आपका रहेगा, देख लीजिए यहाँ पर स्टेप वन, ये स्टेप टू है, ये स्टेप थ्री आएगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, वी गेट इक्वेशन टू और थ्री को हमने क्या करना है स्क्वेयर भी करना है और एडिंग भी करनी है। जब हम स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वेयर आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो वन आ जाएगा, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वेयरिंग करके, स्क्वेयरिंग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि कैसे किया मैंने। ठीक है, बोला है कि स्क्वेयरिंग भी करना है और एडिंग करना है, अगर स्क्वेयर कर लीजिए, स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, आर स्क्वेयर ले लिया बाहर, ठीक है, आर स्क्वेयर बाहर ले लिया, बचा क्या कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। माइनस वन का स्क्वेयर कितना होता है वन, माइनस अंडर थ्री का स्क्वेयर कितना होएगा प्लस थ्री, अंडर रूट स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाता है इसलिए थ्री ही बचेगा। ठीक है, और हमने इसको ऐड कर दिया वन प्लस थ्री, ठीक है, ऐड कर दिया, इसको सिंप्लाई करेंगे आर स्क्वेयर यहाँ पर वन आ जाएगा, वन कैसे आया, अब आपको पता होना चाहिए वैल्यू है होती है कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो वन रहती है। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू जो होती है वन रहती है, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट फोर, आर की वैल्यू आ जाएगी टू,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, मॉडुलस। तो मॉडुलस हमने निकाल दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले हमने मॉडुलस निकालना था, आर निकालना था, आर की वैल्यू आ गई 2, आर स्क्वेयर था तो स्क्वेयर को परिसर गया तो अंडर रूट में होगी टर्म, अंडर रूट 2, 4 का होगा 2, ठीक है। तो मॉडुलस आ गया आर, उसका हम निकालेंगे आर्गूमेंट जेड, ठीक है। तो आर्गूमेंट जेड कैसे निकालना है हमने, अभी देखिए आर टू आ गया ना, उसके बाद हमने आर्गूमेंट जेड निकालना है, उसके बाद हमें पोलर फॉर्म में वो करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2, 3 बाय 2, इक्वेशन 2 एंड 3 को हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 1 में पोलर का फॉर्म में लिखा, स्टेप 2 में इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट किया, स्टेप 3 में स्क्वेयरिंग एंड एडिंग की इक्वेशन 2 एंड 3 को, फोर्थ में करेंगे हम डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2। तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा इज इक्वल अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। तो आर से आर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास टेन थीटा, याद रखिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर बचा अंडर रूट 3। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि आपने क्वाड्रेंट में देखना है कि कहाँ थीटा लाइज करेगा, तो पहले मैं आपको बताता हूँ टेन थीटा। तो अंडर रूट 3 कहाँ आता है टेन थीटा पे, कौन से डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है ना, 60 डिग्री पर पाई वाई कितना होता है बताओ गाइस, आपको पता होगा कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन पाई वाई 3, 60 डिग्री होता है पाई वाई 3, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, चाहे चार्ट आपको याद होगा तो आपने साइड में चार्ट बना लेना है तो वहाँ से वैल्यू देख लेनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 होती है टेन पाई वाई 3 पर, हो गया ये। अब देखना है आपने यहाँ पर देखना है टेन थीटा, और बाकी यहाँ पर देखना है, बाकी यहाँ पर कॉस थीटा भी नेगेटिव में है, साइन थीटा भी नेगेटिव में है, और सिर्फ टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव में है। तो आपने देखना है कि कहाँ टेन थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए मैं फिर से एक बार आपको याद करा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाया था पिछली वीडियो में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरे में साइन और कॉसिकेंट होते हैं, तीसरे में हमारे पास होता है टेन और कॉट होता है, फोर्थ में होता है कॉस और सिकेंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला था, अगर थीटा जो है वो लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका फॉर्मूला होता था थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकेंड में क्वाड्रेंट में लाइज करता तो होता था थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड में क्वाड्रेंट में लाइज करता तो होता इसका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में अप्लाई करता तो होता थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे करना है आपने, अब देखिए कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पर आपने देखना है कि थीटा कहाँ पर लाइज करता है, थीटा जो है वो यहाँ पर कर रहा है आपके पॉजिटिव है ना टेन पाई बाई 3, तो देखना है आपने कि टेन कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है आपका, ठीक है, वो पॉजिटिव जो होता है वो होता है टेन थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन पॉजिटिव होता है, तो क्या फॉर्मूला है माइनस पाई प्लस अल्फा। अब देखिए लिखना कैसे है आपने, उसके बाद लाइन कैसे लिखनी है, ये होगा स्टेप 4, स्टेप 5, ध्यान से देखिए कुछ दोस्तों, ध्यान से देखिए, ऐसे आपको मेथड कहीं नहीं आएगा समझ, क्योंकि बुक में बहुत डिफिकल्ट दिया गया है। फिफ्थ लाइन लिखेंगे आपने, सिंस टेन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा आर नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा कहाँ पर पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, तो आपको बताया, सो दो सो देयर फोर थीटा लाइज इन कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट, इतना कर लिया, हो गया ना, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि थीटा कहाँ पर लाइज करता है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो सो देयर फोर आपको बताया, अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, तो माइनस पाई ऐसे आ जाएगा, अल्फा जो है अल्फा की जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी, ये रहेगी जो हमने यहाँ पर टेन की वैल्यू निकाली है, टेन पाई बाई 3, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 3, तो -3 पाई बाई प्लस पाई इज इक्वल टू -2 पाई ओवर 3, ये आ गया हमारे पास आर्गूमेंट जेड जो है हमारे पास वो आ गया -2 पाई बाई 3, ठीक है।
आर हमने निकाल दिया, मॉडुलस 2 आ गया, उसका हमारे को दिया था कि आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट हमने निकाल दिया। अगर आपको क्वेश्चन होगा सिंपल सा कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ इक्वेशन, तो मॉडुलस सिर्फ आपने यहाँ तक निकालना है। अगर पूछेंगे आपसे कि मॉडुलस निकालिए तो यहाँ तक करना है। अगर पूछेंगे फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट जेड, तो आर्गुमेंट पूछेंगे तो आपने यहाँ तक करना है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट एंड कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, अब हम करेंगे पोलर फॉर्म हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मेन पॉइंट है। देखिए अभी हम फिर से आपको रिवाइज करवाएंगे कैसे आपने करना है। अब अपने लास्ट स्टेप है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। नाउ इक्वेशन वन में हमने क्या करना है, पुट कर देनी वैल्यू। जेड की वैल्यू क्या थी, माइनस वन माइनस अंडर थ्री इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी आई थी, टू आई थी, टू पुट कर देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, आर्गुमेंट जेड कितनी आई, माइनस टू पाई थ्री, प्लस आयोटा साइन माइनस टू पाई बाई थ्री। दिस इज पोलर फॉर्म, विच इज पोलर फॉर्म, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होगा तब आपको मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है, अगर 5 नंबर में आया। ठीक है, अब मैं आपको शुरू से रिवाइज कराऊंगा कैसे हमने क्वेश्चन किए। ये मेन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 3 कंसेप्ट आ गए इस क्वेश्चन में, बाकी इजी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। 5 स्टेप है, इजी स्टेप है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा फाइंड द आर्गुमेंट, सॉरी फाइंड द मॉडुलस आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन आएगा आपको, सॉरी इसको हम बाद में बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मॉडुलस निकालो, आर्गुमेंट जेड निकालो और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जेड को पोलर फॉर्म में लिखना है। लिख दिया, इक्वेशन वन दे दी, ठीक है, स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में क्या करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से आपने देखने हैं इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट कौन से, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिनके साथ आयोटा होता है, तो उनकी वैल्यू आपने कन्वर्ट कर देनी है। इक्वेशन टू दे देनी है, इक्वेशन थ्री दे देनी है। जब आप इक्वेटिंग कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, उसका स्टेप थ्री है, दोनों इक्वेशन को स्क्वेयर भी करना है और ऐड भी करना है। स्क्वेयर करेंगे पहले, आर स्क्वेयर कॉस थीटा आ जाएगा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। तो आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बचा, उसका यहाँ पर माइनस वन का स्क्वेयर वन होता है, अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री होता है क्योंकि स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाता है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री कैसा है, जब हम स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा वन अंडर रूट थ्री, प्लस करेंगे वन प्लस थ्री, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू वन होती है, तो इसलिए हमने आर स्क्वेयर वन हमने यहाँ पर पुट किया इज इक्वल टू फोर। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर, स्क्वेयर है तो दूसरी तरफ करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर कितना होता है, टू होता है, ये आ गया मॉडुलस। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस इज वन, तो आपने यहाँ तक करना है, मॉडुलस पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा साथ में आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड कैसे निकालना है, उसका स्टेप फोर चलेगा आपका, डिवाइड कर देना है क्वेश्चन थ्री को टू से। पहले ऐड किया था, स्क्वायर किया था, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन थ्री और टू को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ से आपको टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अब टेन थीटा की वैल्यू आपने देखनी कि अंडर थ्री कहाँ पर होती है, तो आपको ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाई थ्री पर होती है, टेन अंडर थ्री की वैल्यू, तो टेन पाई बाई थ्री लिख दिया। यहाँ से अब आपको पता लगाएंगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, पॉजिटिव है तो यहाँ से आप लिखेंगे सिंस, फिफ्थ स्टेप, सिंस टेन थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन कॉस थीटा साइन थीटा आ नेगेटिव। अब आप पूछेंगे नेगेटिव कैसे हैं, माइनस का साइन है तो नेगेटिव, अगर प्लस का साइन होता तो पॉजिटिव होते दोनों, ठीक है, पर यहाँ पर कितना है, नेगेटिव का साइन है तो ये है नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। तो देखा हमने एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा आ नेगेटिव। अब आपने देखना है कि टेन थीटा जो है वो कहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये देखिए, ये देखिए मैंने ये करवाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कंसेप्ट का। तो आपने देखना है कि टेन थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है इसकी ट्रिक कैसे आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, ये आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे मैंने याद रखी वैसे आपको याद रखनी पड़ेगी। तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने लिखा थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास होता माइनस में होता तो क्या करते आप, माइनस में होता तो आपको पता है कि टेन थीटा माइनस में कहाँ होता है, तो यहाँ पर आपको दिया होता कॉस थीटा आर पॉजिटिव। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होता तो आपने देखना था कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, तो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करना था, पर यहाँ पर थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या है, ये है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई वैसे रहेगा, अल्फा की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो आपने यहाँ पर निकाली होगी टेन थीटा की, जो वैल्यू यहाँ पर निकाली होगी ना पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स पाई बाई टू, वो आपने यहाँ से पुट करनी है पाई बाई थ्री, सॉल्व करना है वैल्यू आ जाएगी, आर्गुमेंट जेड आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा होगा फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट जेड,
तो आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में ये भी ऐड होगा कि कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म करने के लिए आपको ये यहाँ तक करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। क्योंकि पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मॉडुलस चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है। मॉडुलस थीटा तभी निकलेगा जब आप पहले मॉडुलस निकालेंगे थीटा निकालेंगे। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन वन जो थी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन जेड की वैल्यू हमारे पास ये है, आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, कॉस थीटा की वैल्यू, ये थीटा होता है ठीक है, याद रखना है इसको, थीटा बोलते हैं आर्गुमेंट जेड को, थीटा बोलते हैं। थीटा की वैल्यू पुट कर देनी विच इज पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म बन जाएगी और आपको पाँच नंबर आ जाएंगे, और पाँच में से पाँच ही मिलेंगे। अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, मेरा मेथड अप्लाई करेंगे, तो पाँच में से पाँच आएंगे। एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि फाइंड द मॉडुलस आर्गुमेंट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सिंपल सा ये पाँच स्टेप है, जैसे मैंने बताया वैसे करना, बुक में से करेंगे तो नहीं होएगा, क्योंकि बुक में डिफिकल्ट तरीके से दिया गया है, अजीब तरीके से दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप करने का मजा भी आता है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, पर वैसे आपने कॉपी पेन हाथ में पकड़ के रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कन्वर्ट पोलर फॉर्म, एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना सही, अगर आपको अभी भी कहीं डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बेझिझक आपने मुझे टेलीग्राम फॉलो करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुझे अपने डाउट्स बताना है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने मुझे टेलीग्राम पर भेजना है। आपके साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के, तो आपके डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे, उस सेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर, आपको हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।